VFX एक नंबर, लेकिन स्टोरी में दम नहीं। क्या है कहना सही है ब्रह्मास्त्र के लिए? अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊंगा ना। लेकिन उस पे बात करने से पहले मूवी की एक छोटी सी समरी देता हूँ। हाँ, तुम टेंशन मत लो, स्पॉइलर फ्री होंगे, एक भी स्पॉइलर नहीं मिलेगा। लेकिन एक स्पॉइलर वाली वीडियो भी आएगी बाद में, क्योंकि खैर व्यूज किसको नहीं चाहिए। तो देखो जनाब, मूवी का मेन मुद्दा ये है कि एक ग्रुप होता है जो खुद को आसराज बुलाते हैं, जिनका मकसद होता है कि वो ब्रह्मास्त्र के सभी टुकड़ों के और सारे अस्त्रों की रक्षा करते हैं, ताकि को इनका गलत उपयोग ना कर सके। और आप सबको बता दूं कि ब्रह्मास्त्र सब अस्त्रों में से सबसे ताकतवर अस्त्र है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। और इसी अस्त्र के पीछे कुछ खतरनाक लोग की टोली पड़ जाती है, जो इसके उपयोग से देव को फिर से दुनिया में लाना चाहते हैं और दुनिया खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच शिवा, जो कि एक डीजे होता है, वो इन सबसे कनेक्टेड होता है, क्योंकि वो एक खुद ही अस्त्र होता है जिसका नाम अग्नि अस्त्र है। ये बात उसको पता नहीं होती है, उसे बस ये पता होता है कि उसका आग से अलग ही रिश्ता है, जिसकी वजह से आग उसे कुछ नहीं करती। ईशान, मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आग से। खैर, ऐसा क्यों होता है उसके साथ, इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए वो और उसके 3 दिन का प्यार निकल पड़ते हैं एक एडवेंचरस सफर पे। खैर, यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन अब बात करते हैं कि इस फिल्म को बनाने में जो 10 साल से ऊपर का वक्त लगा है, क्या ये वर्थ इट है? जैसे अवतार को 9 से 10 साल लगे थे बनने के लिए और वो सही में वर्थ इट मूवी थी, तो मैं बोलूंगा कि VFX को लेके हाँ, ये कहीं ना कहीं वर्थ इट है। जहाँ इसका VFX अब तक के बॉलीवुड के सारे VFX मूवी से बहुत अच्छा है, क्योंकि इस फिल्म को VFX देने वाली कंपनी का नाम है DNEG कंपनी, और ये कंपनी है जिसने एवेंजर्स एंडगेम जैसी फिल्म को VFX दिया है। तो हाँ, इसके लिए एक थम्स अप VFX के लिए। लेकिन ये तो बात होगी प्रोस की, इसके खासियत की। लेकिन कहते हैं ना कि VFX से मूवीज नहीं बनती, उसकी स्टोरी और डायलॉग्स भी बहुत मैटर करते हैं। तो इसीलिए कुछ मेजर कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जो एक सेल्फ क्लेम मूवी क्रिटिक हूं, तो ये मेरा हक है आप सबको बताने का। तो देखो जनाब, इसके VFX जहां एक नंबर थे, वहीं कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी एक डिसेंट सी लगी, क्योंकि फर्स्ट हाफ तक ये स्टोरी एक बैंग बैंग थी, मतलब एकदम ही मस्त। लेकिन उसके बाद इसकी स्टोरी में एक बहुत बड़ा ही डिप आता है, मतलब तुम सब थोड़ा सोचोगे कि यार ये सीन काट भी दोगे तो चलेगा। जहाँ इस मूवी में सॉन्ग्स नहीं भी डलते तो काम चल जाता, वहीं सॉन्ग्स की वजह से स्टोरी को एक बिल्डअप नहीं मिल पा रहा था। जहाँ जहाँ स्टोरी खुद को एक बिल्ड कर रही थी, वहीं कुछ क्रिंजी डायलॉग्स और केसरिया तेरा अनवांटेड सॉन्ग्स की वजह से उस बिल्डअप को तुरंत खत्म कर दिया जाता है और एक बहुत बड़ा डिप नजर आता है। और इसके स्टोरी के डाउनफॉल के मेन रीजन ये भी है कि इसके डायलॉग्स, मतलब यार क्या ही बोलूं। कौन हो तुम? क्या हो तुम? खैर, 30 से 40 मिनट तक तुम सबको बस यही सुनने को मिलेगा, क्या हो तुम, कौन हो तुम, मेरा आग से अलग ही रिश्ता है, फलाना ढिमकाना। लेकिन इन सबको साइड रखो तो हाँ, मूवी एक नंबर थी, लेकिन मैं इसके सेकंड पार्ट के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जहाँ हमें देव के बारे में बताया जाएगा, जो कि एक चैलेंजिंग पार्ट रहेगा इन सब के लिए, कि कैसे वो इस चीज को पर्दे पे लेके आते हैं, ताकि वो इस यूनिवर्स को बहुत बड़ा कर सके और बहुत अच्छा एक्साइटिंग भी रख सके। तो बस मैं बस इन सबसे यही दुआ करता हूँ कि अगली फिल्म को आने में 10 साल ना लग जाए, पता चले रणवीर कपूर अपने अमिताभ बच्चन की उम्र में चले जाए। लेकिन जैसा ऊपर सवाल था VFX एक नंबर लेकिन स्टोरी में दम नहीं, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, VFX सच में बहुत लाजवाब थे, आंखों को देख के मजा आता है, वाइब्रेंस थी, सैचुरेटेड थी, बहुत अच्छा था। कुछ लोगों को ओवर सैचुरेटेड लगेगी, लेकिन यार टाइका वाटिटी भी वही करता है। और मैं आप सबको यही कहूंगा कि मूवी को एक चांस दो, ये बॉलीवुड को बदल सकती है। अब ये मत सोचना कि ये बोलने के लिए मुझे पैसे दिए, इतना बड़ा भी चैनल नहीं है, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, तो प्लीज यार वो सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना। और आपके क्या विचार है कमेंट्स की गुफाओं में हमेशा आपके लिए खुले हैं, तो वहां पे बता देना। और इतने दिनों से मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहा था, ये सब आप सबको मैं एक वीडियो में बताऊंगा, जो कि कुछ दिन में आई जाएगी, और उस वीडियो में 3 मेन टॉपिक रहेंगे कि मैं इतने दिन से क्या कर रहा था, मेरी YouTube अर्निंग क्या है, और सबसे मेन चीज मेरा फेस रिव्यू, जिसमें बहुत कम लोगों को दिलचस्पी रहेगी, मेरे फेस में किसको दिलचस्पी रहेगी। खैर, लेकिन जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन सबको तो पता ही होगा कि मैं क्या कर रहा था इतने दिन से, क्योंकि मैं वहां पे बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स देता रहता हूं, तो वहां पे जाके फॉलो कर लेना। बाकी हां, लाइफ को एंजॉय करो, टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में।